फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि एज फॉर एज या सो फॉर एज या इन सो फॉर एज में क्या फर्क है। यानी स्पोकन इंग्लिश में हम एज फॉर एज या सो फॉर एज या इन सो फॉर एज का कैसे इस्तेमाल करें। तो आइए फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट को समझें। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी बात समझेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, एज फॉर एज या सो फॉर एज या इन सो फॉर एज, इन तीनों का मतलब जहां तक होता है। और सबसे कमाल की बात यह है, ये सभी इंटरचेंजेबल हैं, यानी आप इन तीनों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइए इस बात को एग्जांपल में बेहतर तरीके से समझें। फ्रेंड्स, मेरा पहला एग्जांपल है, जहाँ तक मैं जानता हूँ वह कल आएगी। तो आप इस सेंटेंस के लिए लिख सकते हैं, एज फॉर एज आई नो सी विल कम टुमारो। और आप इस सेंटेंस के लिए सो फॉर एज आई नो सी विल कम टुमारो। और इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं, इन सो फॉर एज आई नो सी विल कम टुमारो। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक के लिए आप एज फॉर एज, सो फॉर एज और इन सो फॉर एज का इस्तेमाल करेंगे, और ये तीनों इंटरचेंजेबल हैं, यानी ये एक दूसरे के जगह यूज किए जाते हैं। तो इनमें से जो आपको सबसे आसान लगे आप उसे चुन सकते हैं और जहाँ तक के सेंस में आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लिखा हुआ है, जहाँ तक मुझे पता है वह शराब नहीं पीता है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं, एज फॉर एज आई नो ही डज नॉट ड्रिंक वाइन। और आप ये भी कह सकते हैं, सो फॉर एज आई नो ही डज नॉट ड्रिंक वाइन। और आप ये भी कह सकते हैं, इन सो फॉर एज आई नो ही डज नॉट ड्रिंक वाइन। तो फ्रेंड्स, वर्ड जहाँ तक के लिए आप एज फॉर एज, सो फॉर एज और इन सो फॉर एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, एक एग्जांपल और देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर लिखा हो, जहाँ तक पैसे का सवाल है मैं कल चुकता कर दूंगा। तो जहाँ तक पैसे का सवाल है, या इस सेंटेंस को आप ऐसे भी कह सकते हैं, जहाँ तक पैसे का मामला है या जहाँ तक पैसे का संबंध है, तो आप कहेंगे, एज फॉर एज मनी इज कंसर्न। यानी जहाँ तक पैसे का मामला है या जहाँ तक पैसे का सवाल है, मैं कल चुकता कर दूंगा, आई पे टुमारो। यानी जहाँ तक पैसे का सवाल है मैं कल चुकता कर दूंगा, एज फॉर एज मनी इज कंसर्न, आई पे टुमारो। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप ये भी कह सकते हैं, सो फॉर एज मनी इज कंसर्न, आई पे टुमारो। और आप इस सेंटेंस के लिए ये भी कह सकते हैं, इन सो फॉर एज मनी इज कंसर्न, आई पे टुमारो। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो, जहाँ तक मैं जानता हूँ यह दुनिया की सबसे खूबसूरत कार है, तो आप इस सेंटेंस के लिए कहेंगे, एज फॉर एज आई नो दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कार इन द वर्ल्ड। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं, सो फॉर एज आई नो दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कार इन द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि सो फॉर एज फॉर एज या इन सो फॉर एज का इस्तेमाल आप शानदार तरीके से समझें। अगर वाकई इस लेसन को आप शानदार तरीके से समझें, तो क्या इस टॉपिक पर 3 सेंटेंसेस आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 3 सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।